अगला शो कब है? मेरा भी है 45 दिन के बाद खेलेंगे। नेक्स्ट शो थाईलैंड प्रो और दुबई दोनों। भाई बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी अर्जे के बाद अपडेट आ रही है, बट बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई हम लोग इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आ रही है यश आनंद की तरफ से। और यश आनंद दोस्तों एक पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। इन्होंने जस्ट हाल ही के अंदर जो अपना कॉम्पिटेटिव करियर शुरू करा था बॉडी बिल्डिंग का, अभी हम लोग को बता दें कि 12 हफ्तों के बाद ही कम्पीट करने वाले मसल मेनिया अमेरिका में, और ये वाला शो उनका दूसरा शो होने वाला है, बिकॉज पहला शो था इनका मसल मेनिया दिल्ली के अंदर जो हुआ था, जहां पर मुझे पता भाई की बहुत बड़ी भसड़ हो गई थी, बहुत ही बड़े वाली। और मुझे याद है भाई कि मैंने वीडियो भी बनाई थी उस कॉन्टेस्ट की। और इनके लास्ट कंपटीशन के बारे में बात करूं तो ये प्रो कार्ड जीत गए थे मसल मेनिया का, आईएफबीवी का नहीं कह रहा, मसल मेनिया का ये जीत गए थे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अभी दोस्तों इनकी प्रेप स्टार्ट हो चुकी है अमेरिका वाली शो की, जो ये कम्पीट करने वाले हैं। और हम लोगों को कैप्शन के अंदर लिखकर बता दें कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रॉफी लेकर आएंगे, तो क्या यश आनंद जीत सकते हैं वाला कॉन्टेस्ट? वो सारी अपडेट्स के लिए भाई स्टे ट्यून्ड रहना, और ये मसल मेनिया के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। आप लोगों के जो भी थॉट्स होंगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है राहुल फिटनेस भाई की तरफ से। और राहुल भाई हम लोगों को अपने अगले शो के बारे में तो बताते ही हैं, सबसे पहले हम लोग दोस्तों की करंट फिजिक अपडेट के बारे में बात करते हैं। और गाइस मैं सही बता रहा हूं कि मैं राहुल भाई की फिजिक के साथ तो मैं सही में इंप्रेस हो चुका हूं, मतलब जस्ट लुक एट द फिजिक गाइस। अभी हम लोग को बताते हैं कि 60 दिनों से इन्होंने कोई वर्कआउट वगैरह नहीं करा था, बट स्टिल ही इज इन शेप। और जो चीज मेरे को इंप्रेस सबसे ज्यादा करी थी वो थी इनकी पोजिंग। अभी हालांकि हमको फुल पोजिंग रूटीन हम लोगों को नहीं करके दिखाते, बट स्टिल जो भी इन्होंने हम लोगों को अपनी थोड़ी बहुत झलक दिखाई है पोजिंग की, और थोड़ा स्लो तरीके से जो अभी पोजिंग करना शुरू हो गया है, जो कि मुझे इन पे सूट कर रहा है और अच्छा लग रहा है इनके ऊपर, और अपने मिड सेक्शन पे भी जो इन्होंने अच्छा सा कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि राहुल भाई इज इम्प्रूविंग। और वैसे कहना चाहूँ कि अब ये जो नए कोच के अंडर जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे राहुल की जो फिजिक है मेरे को ज्यादा कंसिस्टेंट लग रही है, ज्यादा बढ़िया जो चेंजेस वगैरह वो नोटिस हो रहे हैं, और खासकर पोजिंग जो है जो पहले से स्लो डाउन हुई है वो मेरे को अच्छा चेंज नोटिस हो रहा है। तो कुलदीप सिंह यादव हो सकता है कि राहुल भाई को क्वालिफिकेशन दिला सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? और राहुल भाई हम लोग अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर बता दें कि दुबई प्रो शो और थाईलैंड प्रो शो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। अभी दुबई प्रो शो का तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन थाईलैंड प्रो तो यार मार्च के अंदर होता है और कैलेंडर ईयर में भी कोई ऐसा मेंशन नहीं करा हुआ आईएफबीवी के, तो दुबई प्रो शो तो भाई इनका कंफर्म है, तो जो थाईलैंड प्रो शो का ये बता रहे थे उसका तो भाई मेरे को समझ नहीं आया। बाकी अभी देखते हैं यार ये क्वालिफाई करना चाहते हैं इस साल, और क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे दुबई प्रो शो के अंदर, क्योंकि दोस्तों एक और इंडियन एथलीट इनका वेट कर रहा है दुबई प्रो शो के अंदर, जो कि इनको बढ़िया टक्कर देने वाला है। तो उस एथलीट के बारे में दोस्तों हम लोग आगे जाके बात करेंगे उनकी अपडेट के बारे में। नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है नितिन चंदीला की तरफ से। और गाइस नितिन चंदीला की रिसेंट वीडियो के अंदर नितिन चंदीला जो है वो वरिंदर सिंह गुमान के साथ नजर आते हैं, और ये दोनों जो है साथ ही में वर्कआउट भी करते हैं और अपनी पोजिंग रूटीन करके अपने मतलब साथ में पोजिंग वगैरह भी करते हैं। तो एक तरफ पे यंग नितिन चंदीला है, तो दूसरी तरफ पे है वीरेंद्र सिंह गुमान, जो कि एक आईएफबीवी प्रो है और ये वैसे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर भी है, दूसरे दोस्तों ये काफी मशहूर भी रह चुके अपने टाइम में। अभी दोस्तों ये दोनों एक साथ अपनी पोस्ट डाउन वीडियो करते हैं। एंड ऑल दो गाइस जो वीरेंद्र सिंह गुमान है वो काफी टाइम से और काफी वक्त से रिटायर्ड हो चुके हैं एज एन आईएफबीवी प्रो, बट काफी बड़े नजर आ रहे हैं नाउ कंसिडरिंग कि दोनों जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जहां पर वीरेंद्र सिंह गुमान अपने ऑफ सीजन के अंदर है वहीं पर नितिन चंदीला अपनी प्रेप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार ज्यादा बड़े तो वो नजर आएंगे वीरेंद्र सिंह गुमान। बट आप लोग देख सकते हो गाइस की साइज का कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और बाकी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वीरेंद्र सिंह गुमान को दोबारा से कम्पीट करना चाहिए और अपने रिटायरमेंट को छोड़कर दोबारा से एक और शो के अंदर तो कम्पीट करना चाहिए? अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स कमेंट करके भाई जरूर बताना। नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही सर्वनन की तरफ से। और गाइस ये तमिलनाडु के बॉडी बिल्डर है और रिसेंटली दोस्तों इन्होंने कंप्लीट करा था 51 सीनियर मिस्टर तमिलनाडु की कंपटीशन में, और जहां पर दोस्तों ये अपने 100% पर भी नहीं आए थे, बट फिर भी वहां पर ये गोल्ड मेडल जीत जाते हैं और चैंपियन ऑफ चैंपियन ओवरऑल की ट्रॉफी भी जीत जाते हैं। अभी मैंने सर्वनन मनी जो कि तमिलनाडु के बॉडी बिल्डर है, मैंने हमेशा से इनके बारे में जो है पॉजिटिव ही बोला है, मैंने हमेशा से बोला कि अपने करियर के अंदर ये बहुत ही आगे जाएंगे, कंसिडरिंग की जो उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेज आई है शो के अंदर काफी बढ़िया इन्होंने परफॉर्म करा। और बाकी मेरे को ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा कि इन्होंने मिस्टर तमिलनाडु का ओवरऑल टाइटल भी जीत लिया, और ये उम्मीद करता हूँ यार कि आगे जाके ये आईएफबीवी शोज भी कंसीडर करेंगे, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट की आ रही है बिलाल अली की तरफ से गाइस, और बिलाल अली हम लोगों को बताते हैं कि इनका अगला शो होने वाला है इटली का वीकेंड प्रो शो, मतलब फ्लेक्स वीकेंड प्रो शो के अंदर ही कंप्लीट करने वाले हैं। एंड अली के बारे में बात करूं तो गाइस ही इज लुकिंग शार्प राइट नाउ, इनका टारगेट वही होने वाला है कि भाई इनको क्वालिफाई करना है ओलंपिया के लिए, और इस इटली वाले शो के अंदर इनको अपना बेस्ट वर्जन तो लेकर आना ही पड़ेगा। देखो यार क्योंकि जहां पर लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो उन्होंने हैट्रिक मार ली थी प्रो शो जीतने की, और इस साल आप लोग कह सकते हो कि इनकी किस्मत खराब थी, पता नहीं इनको किसी की नजर लग गई है या अली का बैड लक चल रहा है, बट इस साल जो है ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन्होंने दो शोज अभी फिलहाल कंप्लीट कर लिया, एक तो था पिट्सबर्ग प्रो शो और दूसरा था हमारा दिल्ली प्रो शो, और होपफुली दोस्तों ये इटली वाला शो जो ये कंप्लीट
करने वाले उसके अंदर ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और करंट फिजिक अपडेट दोस्तों मुझे अच्छी नजर आ रही है। इफ ही ब्रिंग इज बेस्ट वर्जन और हिज शार्प कंडीशन के साथ और फुलनेस लेकर आते हैं साथ ही में, तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा इनके ओपोनेंट्स के लिए इनको बीट करना। बाकी वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 10 ओलंपियन गाइस, ये टॉप 10 के अंदर आए थे लास्ट ईयर ओलंपिया के अंदर। और हालांकि जो दूसरे एथलीट्स हैं इनको हल्के में नहीं लेना पड़ेगा, मतलब बिलाल अली हो सकता है कि बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं शो के अंदर। दूसरे एथलीट के बारे में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं जो कि हो सकता है कि इटली वाले शो के अंदर भी कम्पीट कर सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों इमरान खान, हमारे आईएफबीवी प्रो। और इमरान खान दोस्तों हम लोग अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे बताते हैं इंस्टाग्राम के, इंस्टाग्राम पे पब्लिक ब्रॉडकास्ट चैनल अब आ चुका है, तो वहां पे दोस्तों इमरान खान हम लोगों को फोटो डाल के बताते हैं कि वो हो सकता है कि फ्लेक्स वीकेंड प्रो शो के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। अभी ये वाली चीज कंफर्म नहीं है भाई, तो अभी इस चीज को अभी एज अ रूमर ही लेना, बट हम लोगों को वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि वो इटली प्रो शो के अंदर कम्पीट कर सकते हैं। अभी ये वाला जो शो होगा इटली का, ये होगा 10 सितंबर को, तो देखते हैं भाई इमरान इस वाले शो के अंदर कम्पीट करते हैं या फिर नहीं करते। और भाई अगर करेंगे तो बिलाल अली और इमरान खान दोनों ही जो है बहुत ही वेल रिकग्नाइज्ड एथलीट्स हैं इंडिया के अंदर, तो भाई कंपैरिजन दोनों के बीच में फर्स्ट कॉल आउट के अंदर तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। और सवाल ये आता है दोस्तों कि इमरान खान बिलाल अली को बीट कर सकते हैं? नो डाउट बिलाल अली इस वाले कॉम्पिटिशन के अंदर फाइट तो जरूर लेकर आएंगे। और देखते हैं भाई इन दोनों बॉडी बिल्डर्स अगर ये वाला मुकाबला होता है तो कैसा जाएगा इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में। और इमरान खान दोस्तों दुबई प्रो शो के अंदर भी कम्पीट करने वाले, तो वहां पर वो भिड़ेंगे राहुल फिटनेस के साथ, तो ये वाले वो एथलीट है गाइस इमरान खान। तो इस बारी भाई मतलब अगला जो महीना होने वाला भाई बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मेन्स फिजिक, तो देखते हैं भाई क्या हमारा रिजल्ट आता है। और हाँ, अगली अपडेट पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बिलाल अली की टीम में या फिर इमरान खान की टीम में हो अगर ये दोनों एथलीट अगर इटली वाले शो के अंदर कम्पीट करते हैं तो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालना भाई। नेक्स्ट दोस्तों मैं सीधा बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के बारे में। और सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा रीगन ग्राइम्स के बारे में, जो हम लोगों को अपने साथ अपनी करंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। इनके अगले शो के बारे में बात करूं तो हम लोगों को बताते हैं कि रीगन ग्राइम्स कम्पीट करने वाले हैं इटली वाले शो के अंदर। और कैप्शन के अंदर हम लोगों को बताते हैं कि इटली का फ्लेक्स वीकेंड प्रो शो होने वाला है जहां पर रीगन ग्राइम्स कम्पीट करेंगे। साथ ही मैं लोगों को अपनी करंट फिजिक अपडेट भी दिखाते हैं और वहां पर मेंशन करके बताते हैं रीगन की इनकी लाइफ की बेस्ट प्रेप चल रही है इस वक्त पे। रीगन ग्राइम्स दोस्तों मेरे को अच्छी शेप के अंदर नजर आ रहे हैं और पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो रीगन ने बहुत अच्छा साइज इंक्रीज करा है अपने फ्रेम के ऊपर। जो इनकी क्वाड्स है वहां पर ऑलरेडी सेपरेशन वहां पर शो हो रही है, इनकी स्किन भी काफी अच्छी खासी नोटिस हो रही है, मतलब अच्छी कंडीशन के अंदर इनकी स्किन है, ज्यादा दाग धब्बे नहीं है, एकदम क्लीन है इनकी स्किन। एंड आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव गाइस कि इस बार रीगन ग्राइम्स जो है इस बार कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ये वाला इटली का शो होने वाला है 10 सितंबर को, तो ये वाला शो तो भाई देखना पड़ेगा यार, और काफी बढ़िया ये वाला शो जाने वाला है ऐसा तो भाई मेरे को लग रहा है देखकर। नेक्स्ट बड़ी अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं जो कि आ रही है हंटर लब्राडा की तरफ से भाई। और मतलब अब कल परसों ये स्टेज पर चढ़ने वाले हैं टेक्सस प्रो शो के, और हंटर लब्राडा हम लोगों को अपनी करंट फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर करते हैं। अभी ये लास्ट शो के विनर थे जो हमारा टेम्पा प्रो शो अभी हाल ही में गया था, और अभी ये कम्पीट करने वाले जो ये टेक्सस प्रो शो होने वाला है। हंटर की करंट फिजिक अपडेट के बारे में बात करूं तो भाई वहां पर अच्छी शेप के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर आप उनके ट्राइसेप्स देखोगे तो वहां पे स्ट्राइशंस आप लोगों को नजर आ जाएंगी। फिजिक कहूंगा यार कि मेरे को अच्छी नजर आ रही है, अच्छी शेप के अंदर नजर आ रही है, बिकॉज हंटर फ्रॉम हेड टू टो ही इज लुकिंग कंडीशन्ड। लेकिन हंटर को अपना सबसे बड़ा मुकाबला करना होगा, उनका मुकाबला करना होगा एंड्रयू चैट का, कार्लोस थॉमस जूनियर का, जो कि इस कंपटीशन के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। तो इट विल बी वेरी कम्पिटिटिव फॉर हंटर लब्राडा गाइस, क्योंकि इनको बहुत ही सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का इनको सामना करना पड़ेगा, और हम लोगों को एज अ फैंस तो भाई डेफिनेटली मजा तो आ ही जाएगा। अभी बात करूं तो भाई कार्लोस थॉमस जूनियर जो कि टेक्सस प्रो शो के अंदर ही अभी कम्पीट करने वाले कल परसों, वो भी हम लोगों को अपनी छोटी सी करंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। एंड ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली थिक गाइस, थिक के साथ कहूंगा कि काफी ज्यादा डेंजरस भी नजर आ रहे हैं। तो किस पर आप लोग सट्टा लगाना चाहोगे, हंटर लब्राडा पे लगाओगे या एंड्रयू चैट पे, या फिर कार्लोस थॉमस जूनियर पे, या फिर कोई दूसरा ही कोई बॉडी बिल्डर पे लगाओगे? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। इसके बाद दोस्तों हम लोग ओलंपिया अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहली अपडेट आ रही है दोस्तों सैमसन दाउदा की तरफ से 12 वीक्स आउट। अभी दोस्तों सैमसन दाउदा हम लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करते हैं ओलंपिया की, जहां पर भाई एकदम मॉन्स्टर जैसा नजर आ रहे हैं। 300 पाउंड से ऊपर इनका हमेशा से वेट रहा है और 300 पाउंड से ऊपर ये कंप्लीट करते हैं। और वैसे यही बोलूंगा कि वेट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट सैमसन इज लुकिंग रियली लाइक अ बीस्ट गाइस, वाइड एज अ हाउस। अगर आप लोग बैक से इनको देखोगे तो ये ज्यादा कहूंगा कि इतना ज्यादा वेल सेपरेटेड नहीं इनकी मसल्स आ रही है। अगर आप लोग इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स देखोगे वहां पर इनका जो है इनका हमेशा से थोड़ा सा वीक पॉइंट रहा है सेपरेशन के मामले में। तो बस फिर यही उम्मीद करता हूँ कि सैमसन दाउदा इस बार एक कंडीशनिंग के साथ देखो या साइज तो वो लेकर आएंगे ही आएंगे, और उसके साथ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वेल सेपरेटेड मसल लेकर आ गए ना भाई तो मजा आ जाएगा फिर। तो ये कुछ अपडेट थी भाई सैमसन दाउदा की 12 वीक्स आउट की। इसके बाद दोस्तों मैं अगले कम्पिटिटर के बारे में बात करता हूँ जिनका नाम है निक वॉकर, और उनकी करंट फिजिक अपडेट भी आ चुकी है। और करंट फिजिक अपडेट के अंदर हम लोग कैप्शन के अंदर बताते हैं कि इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ,
और इनके हिसाब से तो भाई हर चीज इंटरेस्टिंग बनती जा रही है निक वॉकर के हिसाब से भाई। और इस प्रेप के दौरान ओलंपिया के दौरान मतलब वैसे भी हमेशा से अपनी कंसिस्टेंट अपडेट्स देते आए हैं और अब देखते ही देखते अब सिर्फ 11 हफ्ते रह चुके हैं और 11 हफ्ते दूर है अपने अगले कॉम्पिटिशन यानी कि ओलंपिया के लिए। अभी जस्ट लास्ट ओलंपिया के बारे में बात कर लेते तो निक वॉकर थर्ड प्लेसिंग लेकर आए थे बट दोस्तों म्यूटेंट जाने जाते अपनी क्रेजी कंडीशन और फ्रीकी कंडीशन लाने के लिए स्टेज पर और एकदम फुल मसल बेलीज के साथ ही आते स्टेज के ऊपर। तो भाई म्यूटेंट मेरे को अच्छे नजर आ रहे हैं मतलब वहीं पर होने चाहिए जहां पर इनको होना चाहिए और ही इज इन द कन्वर्सेशन गाइस, ही इज इन द कन्वर्सेशन टू विन द टाइटल। तो इसी कारण की वजह से हम लोगों को निक वॉकर पे तो भाई अपनी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। अभी दोस्तों हार्दिक पटेल और डेरिक लंसफोर्ड की तरफ से एज सच कोई मेजर अपडेट तो नहीं आई है और ये वाले जो बॉडी बिल्डर्स थे दोनों ही फर्स्ट और सेकंड आए थे लास्ट ओलंपिया के अंदर। तो देखते हैं भाई इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी आगे जाके आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं गाइस और ये वाली अपडेट दोस्तों थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की अपडेट होने वाली है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जेफ साइद के बारे में और मैं काफी टाइम से मतलब जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी जब मैंने शुरुआत करी थी फॉलो करना इन्फ्लुएंसर्स को तो जो वन ऑफ द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा था वो थे जेफ साइद। अभी दोस्तों जेफ साइद बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ जो है काफी लोगों के साथ ही कोलैब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जर्मी के साथ भी कोलैब करा था। अभी दोस्तों इस रिसेंट क्लिप के अंदर जेफ साइद है वो देखे जाते हैं डेविड लेड के साथ और दोस्तों डेविड लेड को मैं बहुत टाइम से उनको भी मैं फॉलो करता आ रहा हूँ तो ये तो भाई एक तरीके से ड्रीम कोलैब देखने को हम लोगों को मिल गया जेफ साइद का और डेविड लेड का। और अभी हालांकि मेरे को अच्छे से याद है कि एक बार जो है जेफ साइद से बहुत टाइम पहले पूछा गया था कि क्या वो डेविड लेड को जानते हैं या फिर उनके क्या थॉट्स है डेविड लेड के बारे में। तो मुझे अच्छे से याद है कि जेफ साइद ने मना कर दिया था उनको मतलब मालूम नहीं था डेविड लेड के बारे में और आज का वो दिन है कि ये दोनों ही डेविड लेड और जेफ साइद साथ ही में वर्कआउट कर रहे हैं काइंड ऑफ और साथ में कोलैब कर रहे हैं। तो भाई देखकर बहुत अच्छा लगा और एक जबरदस्त कोलैब हम लोग को आगे जाके इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है भाई मतलब यूट्यूब वीडियो के अंदर ये दोनों कुछ कमाल कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये थी कुछ आज की अपडेट्स, कैसी लगी आप लोग जरूर बताना और उसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब।